हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ओश और आज मैं एक नए वीडियो के साथ हूं। तो आज भी एक नया अनबॉक्सिंग है और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ खास अनबॉक्सिंग आने वाले हैं, तो उसमें से एक ये है, इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग है जो आपको ये गैजेट हटके लगेगा बहुत ही। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब के बगल में आती है बेल घंटी, जिसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलें, और अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना रीज़न। तो चलिए, और आज भी मेरा तबीयत ख़राब है, सर्दी है, क्योंकि आज ही मैं मतलब दो तीन वीडियो मैंने आज ही शूट किया, तो इसीलिए आपको आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। चलिए, ये कुछ ऐसा पाउच या बैग आप जो भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये चैन मिलेगा और इस चैन से आप इसे खोल सकते हो। और इसके बाद जो हम लोगों ने कहा था, आप देख सकते हो ये इंटरेस्टिंग सा माइक है और इसके अंदर कुछ एसेसरीज है। तो पहले हम लोग माइक को साइड में करते हैं और एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका, देख सकते हैं फ़ोन का जो आपका चार्जर होता है उससे 3.5 mm जैक है, जिससे आप ये जो अपने फ़ोन के 3.5 mm जैक में लगा के, और ये जो आपको पिन मिल रहा है उसे यहाँ पे नीचे लगा करके आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऐप में जाना पड़ेगा और ये आपको ईयरफोन के तौर पे अपने फ़ोन में लगाना होगा, और ये आपको माइक में लगाना होगा, माइक्रोफोन में। तो आपका माइक्रोफोन के आवाज़ से ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका चार्जर है, ये देख सकते हैं, आप अपने अडेप्टर में लगा सकते हो, जो यहाँ लगा के आप चार्ज में से कर सकते हो। तो ये आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, तो हमें यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी एसेसरीज़ को हम लोग साइड में रखते हैं, तो मैं साइड में कर चुका हूँ और आप देख सकते हो हमारा एसेसरीज हम लोगों ने साइड कर दिया। और ये हमारा माइक्रोफोन है जो 2-in-1 है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2-in-1, इसका मतलब इसके अंदर माइक्रोफोन भी है और ये स्पीकर भी है साथ में। तो हाँ फ्रेंड्स, यही इंटरेस्टिंग सी गैजेट है। तो आपको, आप देख सकते हो इसके अंदर आगे आपको कंट्रोल बटन मिलेगा, तो आप देख सकते हो बास ये सब के लिए, बेस के लिए, वॉल्यूम के लिए, म्यूजिक के लिए, एको के लिए, बहुत सारे के लिए। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आगे पीछे के लिए मिलेगा, ये स्पीकर के लिए, आप देख सकते हो ये स्पीकर के लिए है, जिससे आप यहाँ से आप सब कुछ सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको, मैं फोकस करने दीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से, हाँ फोकस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको iOS का लोगो दिख रहा होगा और एंड्रॉयड का, जो आप इसे आगे पीछे करके सेट कर सकते हो कि आपको किस में सेट करना है। iOS में ये ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप स्पीकर को बजा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करके पावर बटन पे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा होगा, और इसके बाद अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ये एको हो रहा है। तो एको को मैं अगर बंद करता हूँ, तो मतलब नीचे करता हूँ, तो एको बंद हो जाएगा। और हेलो, तो आप देख सकते हो कि हमारा एको कम हो गया है, और हम लोग अगर करते हैं तो हेलो, आप देख सकते हो कि एको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका म्यूज़िक आपको सुनाते हैं। आपने तो वॉइस सुन ही चुका है, तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फ़ोन से। मतलब एक बात मैं बता दूँ, ये किस काम के आता है, तो आप इसे कैरियोके के तौर पर यूज़ कर सकते हो। इसमें आप म्यूज़िक पर जाके साथ ही साथ इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो एक टाइम में। आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर लो, तो इसमें म्यूज़िक बजने लगेगा, और उसके बाद रिकॉर्डिंग से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका स्पीकर का लाउडनेस और क्वालिटी आपको बताते हैं कि कैसा है। तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करता हूं और उसके बाद म्यूज़िक बजाता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने स्पीकर, मतलब 2-in-1 स्पीकर और माइक्रोफोन को अपने फ़ोन से अटैच कर दिया है। तो अब हम लोग म्यूज़िक को प्ले करके आपको बताएंगे। तो आपको म्यूज़िक प्ले करना है फ़ोन में, और उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूज़िक का लोगो दिख रहा होगा, मतलब जो बटन उसे।
फ्रेंड्स आप सुन सकते हो कि कैसा इसमें आवाज आ रहा है। तो ये टू स्पीकर है, जैसे कि आप इस साइड देख सकते हो और इस साइड देख सकते हो, तो ये दो स्पीकर है जिससे आपको आवाज आती है। तो एक एक साइड इस साइड है और एक साइड इस साइड है। तो आपने शायद आवाज सुन चुके होंगे कि कैसा आवाज है इसका, बहुत ही लाउड आवाज है। और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे इस गाने को। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका आवाज है। और यहाँ से आप इसे कर सकते हो, बेस बढ़ा सकते हो, देख सकते हो ये बेस बढ़ गया है, और आप कम भी कर सकते हो, देख सकते हो ये कैसा हो रहा है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज कर सकते हो, मतलब आप एज ए स्पीकर और माइक्रोफोन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस गाने को पोज करते हैं, तब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कैसा इसका आवाज़ है, और यहाँ पे देखिए, तो ये आप आवाज़ सुन ही चुके होंगे। तो ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है, और आप यहाँ पे USB लगा सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे चार्जर के लिए आपको पोर्ट मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे स्पीकर, दो स्पीकर है, और ये आपको चार्ज होने में मैं आपको बता देता हूँ 2 घंटे लगते हैं, और चलते हैं 6 से 8 घंटे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का आपको चार्ज मतलब बैटरी बैकअप देता है, और इसका बैटरी है 2600 mAh। तो मैं आपको ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा है, तो आप जाके दिल्ली से भी खरीद सकते हो। और मैं नेट पे ट्राई करूँगा इस 2-in-1 माइक्रोफोन को ढूंढने का, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसे मतलब आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। और अगर मुझे कमेंट आते हैं बहुत सारे, तो इस माइक का मैं जहाँ से मैंने ख़रीदा उसका एड्रेस दे दूँगा उस दुकान का, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे रीज़न बताइएगा कमेंट में क्योंकि किस लिए आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा। और चलिए फ्रेंड्स, और एक बात मैं बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है, तो गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना ना भूलें, क्योंकि अब गिव अवे बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और 25 तारीख को हम लोग का गिव अवे का रिजल्ट निकलेगा। तो मैं वेटिंग कर रहा हूँ कि कौन जीता है, और जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि आपको भी जीतने का प्राइज का चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल जो आपको बेल घंटी मिलेगा उसे क्लिक करना ना भूलिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।